8 फरवरी तक किसी भी शहरी का शनाख्ती कार्ड पर चलान नहीं किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का वायरलेस पैगाम जारी, कहा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। इलेक्शन के रोज मुल्क में कहीं भी इंटरनेट बंद नहीं होगा, पीटीए ने हिदायत जारी कर दी। तर्जमान पीटीए का कहना है, कहा इलेक्शन के रोज सार्फीन को इंटरनेट की मुकम्मल सहूलत मुयसर होगी। इंतखाबात में सिर्फ एक रोज बाकी, पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल, इंतखाबी मुहिम का वक्त भी खत्म। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाता इखलाक जारी कर दिया, इंतखाबी अमल तक मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे पर भी पाबंदी। आम इंतखाबात प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 से मुतालिक हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म, गफलत से मुरतकिब आने वाले प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब इजाज अनवर ने आगाह कर दिया, कहते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक पर पाबंदी करें। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन से एक दिन खबर, प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादलों पर इजहार तशवीश, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर NA 237 के RO की जानिब से तबादलों का फौरी नोटिस लें। सैयद गनी की दरख्वास्त, प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादले फौरी मंसूख किए जाने की इस्तदा। सलमान अकरम राजा की खुद को आजाद उम्मीदवार देने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद, इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। सलमान अकरम राजा ने रूल्स 94 के तहत खुद को पीटीआई का उम्मीदवार दर्ज करने की इस्तदा की थी।